हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाने वाला है जो 7 सितंबर को है, थर्सडे को। तो इस बार दो जन्माष्टमी पड़ा हुआ है, एक 6 को एक 7 को। तो इस्कॉन में जो वैष्णव भक्त लोग हैं वो लोग 7 को मना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगले दिन उदिया तिथि पड़ रहा है, तो इस्कॉन के वैष्णव भक्तजन उदिया तिथि के दिन जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान का जन्म किया जाता है, उनको बहुत सारा भोग लगाया जाता है, मिठाई का केक बनाया जाता है। तो हम सबको भी जन्माष्टमी के दिन ज़रूर से उपवास करना चाहिए। व्रत करके 12 बजे के बाद हम लोग को पारण करना चाहिए भगवान के चरणामृत से। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म वैवत पुराण में कहा गया है कि करुणो एकादशी का जो व्रत है, अगर करुणो एकादशी व्रत आपने किया है तो अगर एक जन्माष्टमी का व्रत आप कर लेंगे तो उसका उतना पुण्य फल है जितना एक जन्माष्टमी से है। तो करुणो एकादशी आप किए, अगर एक जन्माष्टमी कर लिए तो आपका व्रत उत्तम हो जाएगा। भगवान कृष्ण स्वयं जो भी व्रत करता है उससे अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्ति अगर कोई भी करता है भगवान उसको अपना कृपा पात्र बना लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको करना चाहिए। यदि कोई नहीं रह पा रहा है तो जल पी कर, दूध पी के, फलहार खा करके रह सकता है, और नहीं तो उत्तम विधि तो ये है कि निराहार रहकर बिना जल के हमें 12 बजे तक उपवास करना चाहिए। फिर उसके बाद में हम भगवान का भोग लगाकर उनका जन्म करके 12 बजे के बाद जो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, अवतरित हुए थे, उस दिन हमको भगवान का व्रत करके, भगवान का श्रृंगार पूजा कीर्तन करके फिर उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये बहुत ही उत्तम है, हर शास्त्र में कृष्ण के जन्म को लेकर अति उत्तम उत्तम बातें बताई गई हैं जो हम सबको करना चाहिए। यदि कोई नहीं रह पा रहा है तो दूध फल खा करके रह सकता है, और यदि वो भी नहीं रह पा रहा है तो फलहार खाकर, जैसे फाफड़ बोलते हैं, कुट्टू का खिचड़ी पकौड़े, और सिंगारे के आटे का पकौड़ा बना लीजिए, उसका चिल्ला बना लीजिए, उसकी पूरी सब्जी बना करके खा लीजिए, उससे भगवान का हम व्रत कर सकते हैं। पर हर किसी को रहना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि 6 तारीख को जो पड़ा है वो सन्यासियों के लिए है, और जो 7 तारीख को पड़ा है वो वैष्णव भक्तों के लिए है। आप भी रहिए और भगवान का कृपा बनिए, कृपा पात्र बनिए, क्योंकि भगवान जो है ना कीचड़ से कमल को निकाल लेते हैं। तो हम सब क्या है, भौतिक जीवन में हम सब कीचड़ के अंदर फंसे हुए हैं, माया जाल में फंसे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान का व्रत रखने के लिए, भगवान को खुशी करने के लिए और भगवान का कृपा पाने के लिए हमें व्रत रखना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाएंगे, और कल से हम लोग भगवान कृष्ण के अलग अलग छोटे छोटे बाल लीलाएँ का विकरण करेंगे, श्रवण करेंगे, और उनके कैसे वो अवतरित हुए, किस प्रकार से अवतरित हुए, उस शास्त्र के माध्यम से हम सब श्रवण करेंगे। तब तक आप सबको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज शाम की आरती का दर्शन आप सभी करिए भगवान जगन्नाथ का। ये देखिए भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी और हमारे गोपाल, सबका भी दर्शन करिए। हरि बोल, हरे कृष्णा।